Hello kids, my name is Saurabh Singh and I am mathematics teacher in JOGS Academy, and today my topic is addition of changing tense for class 2nd. So pichle lecture mein humne dekha tha changing ones. To humne usme kya dekha tha ki ones place mein jo bhi 2 digit number hoti hai hum uska first digit tense pe carry kar dete hai, means yahan se ones se place se hata kar tense place mein rakh dete hai. Similarly चेंजिंग टेंस में क्या होगा, हम टेंस प्लेस में से एक डिजिट को हटाकर 100 प्लेस में रखेंगे. ओके तो वो कैसे होगा आज हम वो सीखेंगे. क्लियर. सो एक क्वेश्चन दिया है हमें, अ डेयरी फार्म. डेयरी फार्म हमको पता है जहाँ पर काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, वहाँ पर वो वाला फार्म है. हैज़ 186 काउज. कितनी काउज है? 189 काउज एंड 148 गोट्स. गोट्स मतलब बकरी. सो हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर. सो हाउ मैनी मीन्स कितने, एनिमल्स मतलब जानवर, एंड ऑल टुगेदर मीन्स सभी को साथ में मिलाकर. जैसे कि यहाँ पर वर्ड बता रहा है ऑल टुगेदर, तो हमको क्या करना है, एडिशन करना है. तो हम काउस की डिजिट्स लिखेंगे एंड गोट्स की डिजिट लिखेंगे और दोनों को प्लस करेंगे. ओके तो प्लस करते हैं. सो प्लस कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर 9 है, अब नीचे कौन सी डिजिट है, 8. तो हम फिंगर से काउंटिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली. क्लियर. सो 9 है, सो 1 से 9 तक काउंटिंग खत्म हो गई. अब हम 9 से आगे स्टार्ट करेंगे. सो 9 देन 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. हमें 8 काउंट करना है, तो 9 के बाद हमने 8 काउंट किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 17. 1 एंड 7. तो हम क्या करेंगे, ये वाले 1 को यहां से ले जाएंगे कहां पर, टेंस प्लेस पर, यहां पर. ओके और अब हम काउंटिंग यहां पर करेंगे टेंस प्लेस की. क्लियर. जब ये 1 यहां से यहां पर जाएगा तो यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 7. ओके सो अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं. सो 8 है, 8 प्लस 1 9. क्लियर. अब 9 में हमें कितना ऐड करना है, 4. तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 4 के लिए. सो 9 10 11 12 एंड 13. क्लियर. सो हमारा आंसर क्या आया, 1 3 13. सो यहां पर भी 2 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले 1 को यहां से ले जाएंगे और कहां रख देंगे, 100 प्लेस पर रख देंगे. ओके क्लियर. अब ये 1 यहां से यहां पर आ गया, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ 3. क्लियर. अब हम इसको प्लस करते हैं. सो ये तो इजी है, 1 प्लस 2 एंड प्लस 1 3. क्लियर. तो आपको याद रखना है कि हमें हमेशा एडिंग में ये वाला 1 भी काउंट करना होता है. क्लियर. अब हम एक्सरसाइज देखते हैं कि आपको अपनी वर्कशीट की एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व करनी है. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ऐड. तो हमें एडिशन करना है, जैसे कि हमने एडिशन यहां पर किया था वैसा ही एडिशन हमें यहां करना है. ओके सो यहां पर क्या है, नंबर 3 एंड 8. सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8. तो हम 8 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 से लेके 8 तक काउंटिंग यहां पर फिनिश हो गई. अब हम उसमें 3 ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम अपनी फिंगर्स को काउंट करेंगे. क्लियर. सो 8 9 10 11. क्लियर. सो 3 फिंगर्स हो गई, तो हमारा आंसर क्या आया, 11. 1 एंड 1. यहां पर फिर से 2 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को यहां से ले जाएंगे कहां पर, टेंस प्लेस पर. क्लियर. सो ये 1 यहां पर आ गया और ये 1 यहां से हट जाएगा. क्लियर. अब हम इन सबको साथ में प्लस करेंगे. सो 7 प्लस 1 कितना होता है, 8 होता है. अब 8 में हमें क्या प्लस करना है, 5. सो हम काउंटिंग करेंगे स्टार्टिंग से, 8 9 10 11 12 एंड 13. सो हमारे फिंगर्स कितनी है, 5 हो गया और हमारा आंसर क्या आया, 13. सो 1 एंड 3. क्लियर. अब इस 1 को हम यहां से हटाएंगे और कहां ले जाएंगे, 100 प्लेस पर. ओके हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कभी भी नीचे 2 डिजिट नंबर नहीं होता है. क्लियर.
सो अब हम इन थ्री डिजिट को साथ में काउंट करेंगे, मीन्स 1 and 3 and 2. ओके, सो 3 + 1 कितना हुआ, 4 हो गया. 4 + 2 कितना हुआ, 5 and 6. तो हमारा आंसर क्या आया, 6. और ये 1 यहाँ से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 यहाँ से यहाँ पर चला गया. क्लियर. सो हमारा आंसर क्या हुआ, 631. इसी तरह से आपको अपनी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी तरह से. अगर आपको वर्कशीट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे और एक बार फिर से